गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेसन 5 की रीडिंग कर रहे हैं हम। तो आज हम यहाँ से रीडिंग करेंगे। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग रागादीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म। सम पीपल इन द ऑडियंस वर वाथ इन प्रेस्पिरेशन। द लीव्स on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, words fell that because of the heat and the water in the river began to boil. People cried out in terror as flames shoot up off out of nowhere and lighten the lamps. मतलब जो तानसेन का गाना सुनने के लिए, मतलब राग दीपक सुनने के लिए पूरा का पूरा कस्बा निर्धारित दिन में इकट्ठा हो गया। जब उसने गाना शुरू किया तो हवा जो थी गर्म हो गई। कुछ लोग जो ऑडियंस थे, श्रोतागण में से कुछ लोग पसीने से नहा गए, मतलब उन्हें बहुत पसीना आया। पेड़ों के पत्ते जो थे वो सूख गए थे और ग्राउंड में, मतलब जमीन पर नीचे गिर गए। जो पत्ते थे पेड़ों के वो सूखकर नीचे जमीन पर गिर गए। जैसे जैसे जो म्यूजिक था वो लगातार चलता गया, आगे बढ़ता गया, पक्षी जो थे गर्मी के कारण मरकर नीचे गिर गए। नदियों का पानी भी जो है उबलने लगा। लोग जो थे डर के कारण चिल्लाने लगे। तब ना जाने कहाँ से जो आग की लपटें आई और दीपक जलने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेघा। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तानसेन वाज सेव्ड। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस। And Akbar was sorry that he had caused him as much suffering. He punished Tansen's enemies. When Tansen got well, the entire city rejoiced. Tansen remained Akbar's courtier singer till 1585. When he died, he composed several new ragas. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तभी सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। आसमान जो है बादलों से भर गया और बारिश होने लगी। तानसेन जीवित बच गया। इस कहानी के बाद तानसेन जो है बहुत बीमार था, बीमार पड़ गया। अकबर को इस बात का बहुत ही दुख हुआ कि ये सब उसके कारण हुआ। मतलब कि अकबर ने तानसेन को बहुत ज़्यादा दुख दिया। अकबर ने तानसेन के जो शत्रु थे उनको सजा दी। जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरे शहर में खुशियां मनाई गई। तानसेन अकबर के दरबार में 1585 तक गायक रहा, जब तक कि वो मर नहीं गया। उन्होंने अनेक राग जो है उनकी बहुत सारे राग जो हैं उनकी रचना की। तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में है और
ये गायक गायक संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान है। तो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।